बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की सिवान के दरौली थाना क्षेत्र से, जहां पे हम आपको बताते चले कि दरौली मठिया गांव के पूर्व मुखिया सह राजद नेता दयानंद यादव को अपराधियों ने देर संध्या में गोली मार दी है, जिससे कि उनकी मौत हो गई है। इधर मौत के बाद दरौली पीएससीसी पर स्थानीय लोग जमकर हंगामा किए हुए हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हंगामा करने वाले लोग दरौली पीएससीसी में तैनात डॉक्टर इकबाल को भी पिटाई कर दिया है। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने में जुटी हुई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिवान से, जहां अपराधियों ने पूर्व मुखिया को गोली मार दी है और पूर्व मुखिया की मौत हो गई है। गोली मारने की फिलहाल अभी कोई वजह स्पष्ट सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्र यह बता रहा है कि राजनीतिक दल की गलियारों में गोली मारी गई है। बहरहाल अगर अभी तक आपने FS न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कैसे 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 घटना हुआ? दरौली थाने पर पीस कमेटी की 11 बजे बैठक थी। पीस कमेटी के बैठक में प्रशासन के द्वारा पूर्व मुखिया दयानंद यादव जी को सूचना मिली थी कि पीस कमेटी की बैठक में शामिल होना है। पीस कमेटी की बैठक में पूर्व मुखिया दयानंद यादव जी शामिल हुए थे। शामिल होने के बाद जब मीटिंग खत्म हुआ तो दयानंद यादव जी हम लोग के साथ बैठकर राजनीतिक वार्ता भी किए और एक साथ हम लोग बैठ के चाय भी पिए। चाय पीने के बाद पूर्व मुखिया दयानंद यादव जी ने अपने क्षेत्र टणवा जी चुनाव से संबंधित प्रचार प्रसार के लिए गए और वहां से जब वे लगभग 5 बजे करीब टणवा से अपने घर दरौली मठिया जा रहे थे, उसी क्रम में टणवा और पकड़ी पार के बीच एक बगीचा के समीप उनको मोटरसाइकिल सवार ने, लोगों का कहना है, वहाँ जो खेत खलिहान में लोग काम करते थे उन लोगों का कहना है कि उनके वो मोटरसाइकिल से खेत मोटरसाइकिल सवार ने गोली मारा। अच्छा, और ये अभी मतलब प्रत्याशी भी थे कि पूर्व में 20 साल तक लगातार मुखिया रहे हैं, उसके बाद इस बार के चुनाव में भी ये एक कदावर मुखिया के प्रत्याशी थे और राजद के वरिष्ठ नेता भी हैं। सर अपना परिचय दे दें। मेरा नाम उमेश कुमार यादव, दरौली प्रखंड उप प्रमुख।